जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के जीवन में व्यक्ति योग्यता, बुद्धिमानी और कठोर परिश्रमी होने के बावजूद वह कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, और इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी कार्य में हाथ डाले वह सफल ही सफल है। तो एक व्यक्ति जो इतना मेहनत करता है, योग्यता भी है, बुद्धिमानी भी है, फिर भी भाग्य उसका साथ नहीं देता, और एक व्यक्ति सिर्फ हाथ डालता है जिस काम में, वह सफल हो जाता है। इसका रहस्य यह है मित्रों कि व्यक्ति के जो ग्रह हैं वह ग्रह ही उसे प्रभावित करते हैं उसके कार्यों को। तो आज एक अचूक सर्व कार्य सिद्धि मंत्र का प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से जिस व्यक्ति के भाग्य के द्वार नहीं खुल रहे हैं वह खुलने लग जाएंगे, और अचानक ही जिस कार्य में आप जिंदगी भर असफल रहे इसे करने के बाद गारंटेड आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध प्रयोग है। मंत्रों के साथ आपको यंत्र भी बनाने हैं, और इस प्रयोग को करने के बाद जो बुरी तरह से भी असफल हुए हैं सफलता उसके कदम चूमेगी। एक बार जरूर करके देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने अभी तक आजमाया है, अभी तक 1500 लोगों को बताया हूं, उन लोगों को सफलता हासिल मिली ही है। तो इसे करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कुछ सामग्री चाहिए। मोती चाहिए, कुमकुम चाहिए, भोजपत्र चाहिए, घी का दिया जलाना है। सोमवार के दिन करना है, किसी भी समय कर सकते हैं आप इसको। जब प्रयोग करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उस समय उत्तर दिशा की ओर मुख रहेगी। मित्रों, आसन आपको सफेद सूती कपड़े का लेना है। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला लेनी है। मंत्र का जाप 221 बार और 5 दिनों तक निरंतर करना है। ध्यान रखिएगा सोमवार से प्रारंभ करके। तो करना क्या है, सबसे पहले जो यंत्र आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है उसे कुमकुम की स्याही बनाकर भोजपत्र में अंकित कर लेना है, और उसी यंत्र के ऊपर मोती को रखिए, सामने घी का दीपक जलाकर, और उसके बाद जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है 221 बार। मंत्र को पहले ध्यान से सुनिए। बीज मंत्र है इसमें, बीज मंत्रों का समूह है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम सर्व सिद्धिम देहि देहि ह्रौं श्रीम नमः, बस इतना ही जाप करना है। आप देखेंगे कि यह विधि करने के बाद आपके भाग्य का उदय होना प्रारंभ हो गया है। इन सब विधियों को करने के बाद आपको उस मोती को अपने घर, दुकान, जहां पे भी आपको बरकत चीज, जहां पे आपको असफलता हाथ लग रही वहां पास रखिए, या फिर अपने पास रख सकते हैं। और इस यंत्र को हमेशा अपने पर्स में, अपने जेब में, किसी भी जगह अपने साथ रखिए। बाकी आप खुद देखकर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आए, अगर कोई जानकारी चाहिए तो बाकी विधि जानने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जय जय माता दी। मित्रों,